कैसे हो? सब ठीक? मेरा नाम जोर। असली नाम नहीं मैम, और एक ही मैं जे। वैसे सुना है कि तुम दोनों काम काफी ठीक ठाक कर लेते हो। हाँ, काम क्या है? पैसे निकलवाने, फोटो और एड्रेस। किस चीज के पैसे? ड्रग्स के। वो मार्केट में है उसके। तुम्हें कैसे पता? वैसे सही कह रहा है, ड्रग्स मार्केट में नया आया, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं। पर जिन लोगों ने ये ड्रग्स लिए हैं वो इसे साहिकी कहते हैं, पता नहीं क्यों। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? दरअसल हमारे पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ये ड्रग्स आके बेचने वाला था, वो आए उससे पहले हम वहाँ पहुँच गए बस। वैसे एक बात बताओ, तुम ही सेरा के डीलर हो और उसने तुम्हें ही पैसे नहीं दिए। एक्चुअली मेरे लड़के ने उसे ड्रग्स दिए थे और रेगुलर कस्टमर है तो पैसे नहीं लिए। पर ये ड्रग्स काफी रेयर और काफी एक्सपेंसिव और मुझे हर हालत में इसके पैसे चाहिए, समझे? ठीक है। पर तुम लोग ये सब क्यों करते हो? मतलब ये कि ये किसी से पैसे निकलवाना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, किसी को मार देना, ये सब क्यों करते हो आप? पैसों के लिए, और क्या वजह हो सकती है? और तुम? इस सब से निकलने के लिए। वैसे पैसे तो सिक्के की एक साइड है, पर इसके साथ जो चीज़ें आती है उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जिंदगी हमें ये सब मौके नहीं देती, ये सब हम लोग जानबूझ के नहीं करते, और जिंदगी ऐसी होनी भी नहीं। ठीक है फोटो और एड्रेस। और हाँ, मेरे लड़के ने बताया था कि ये आदमी ठीक नहीं है। मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं इसकी। पर डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम लोग ना करो, बस सोचा कि बता दूं। काम हो जाएगा। मैं एक आम इंसान था, मेरी भी एक आम जिंदगी थी, आम लोगों की तरह। आम लोगों की तरह मैं भी किसी के साथ खुश था, पर यह खुशी एक मोड़ तक की ही थी। मुझे एक बीमारी है, मुझे वो लोग दिखाई देते हैं जो किसी और को नहीं। ये साया मुझे हर रोज दिखता है, जिंदा नहीं पर मेरे दिमाग में रहता है। बस इतना जानता हूं कि ये गोलियां खाने से मैं अपने काबू में रह पाता हूं। मुझे डर है कि यह साया मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक मैं
ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने क्या किया यार? हर बार बेकाबू हो जाते हो। वो वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। हर बात पैसों की नहीं होती, और अगर ये बात तुमने तुम्हारे भेजे में घुसा दी होती तो आज मैं मेरा कपड़े नहीं बदल रहा होता। ठीक है अभी छोड़ना यार। मेरी दवाई कैसे खत्म हो सकती है? पिछली बार के पैसे दिए बिना मुझे और दवाई नहीं मिलेगी। मैं ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। वो साया कभी भी वापस आ सकता है। अब तो दवाई लेने के बाद ही मुझे उससे छुटकारा मिलेगा। पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हम दोनों के नसीब जुड़े हुए हैं। हाँ तो मैं कहा था दो लोग उनका बक्सा। हाँ तो वो दोनों बंदे घर में अकेले रहते थे और काफी बिजी लाइफ थी उनकी, पर काफी आम जिंदगी। फिर एक दिन उनके घर एक अनजान बक्सा डिलीवर हुआ। अनजान मतलब? मतलब कि उन दोनों में से किसी ने बक्सा मंगवाया नहीं था और किसने भेजा था वो आइडिया भी नहीं था इन दोनों को। अच्छा तो फिर? फिर क्या, इन दोनों ने वो बक्सा घर के अंदर ले लिया और गलती कर दी। क्यों, उन लोगों ने बक्सा खोल के नहीं देखा? हो सकता है किसी ने मौका ही ना दिया हो। वैसे था क्या उस बक्से में? पता नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं कि उस बक्से में लोगों की टूटी हुई अधूरी आत्माएं हैं और कुछ कहते हैं कि, जो मैं नहीं मानता, पर उसमें वो चीज़ है जो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। वैसे तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? क्या मतलब कौन सी चीज? अच्छा मेरा मतलब पैसों के अलावा। अगर तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा हो तो तुम्हें और क्या चाहिए? मगर फिर भी पैसे सिक्के की एक तरफ। अच्छा तो दूसरी? आजादी, खुद के मर्जी से जीने की आजादी। साला ना कोई टोकने वाला ना कोई कहने वाला। और तू, तू क्या चाहता है? यही, ये सब काम से छुटकारा। मतलब ये बंद? हाँ वैसे ही कुछ। ओ वैसे इस ड्रग्स के बारे में क्या ख्याल है? सुना है मैंने इसके बारे में, ज्यादा नहीं पर यही कि बड़े हायर क्लास से आता है, बड़े बड़े लोग लेते हैं इसे, बहुत ही रेयर है। पर यह गलियों तक पहुंच जाएगा उसका अंदाजा नहीं था मुझे। वैसे ये मार्केट में नया है, किसी को पता नहीं ये किस चीज से बना है और किसी को इसका असली नाम भी नहीं पता, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी चीजें हमेशा मुसीबत लाती है। पता है मैं सोच रहा था कि इसे एक बार ट्राई करूं, क्या सर होगा इसको खाने से। हाँ और हर नई चीज हमेशा बुरी नहीं होती, वैसे भी ये मुश्किल से हाथ में आई है। ऐसी चीजों से हम जितना दूर रहे उतना अच्छा है मेरे लिए, ठीक है? जितना ज्यादा मना करो उतनी ज्यादा इच्छा होगी। कभी कभी लगता है ऐसे तू मेरा भाई कैसे हो सकता है?
क्या किया तुमने? अब क्या करें? साला पैसे भी नहीं इसके पास। चल इसका क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता, चल यहां से। जैसा कि मैंने कहा, ये साया कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये एक नहीं, कहीं सारे हैं जो कभी मुझे दर्द नहीं देंगे। क्यों दे, आखिर ये मेरे ही तो हिस्से हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन? हेलो हाँ मैं जोसेफ। कौन जोसेफ? अरे मैं बोल रहा हूँ जे जे। अच्छा जे, हाँ मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, काम में एक प्रॉब्लम आ गई है, अभी पैसे मिलना बहुत मुश्किल है, पर वैसे हम उसके एड्रेस पे जा रहे हैं। वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो ड्रग्स हैं? हाँ क्यों? क्या तुम्हारे पास अभी भी वो ड्रग्स हैं? क्या? सुन उसे भूल जा। क्यों? उसे उधर ही छोड़ दो और भाग जाओ दोनों। तुम मानोगे नहीं मैंने क्या देखा है अभी। तुम लोग हेलो के okay।